नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सर्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीयूटी बीएचयू पेड सीट। आप सभी को पता है पहली बार सीयूटी हो रहा है, सीयूटी में करीब 50 प्लस यूनिवर्सिटी शामिल है। आप सभी को ये भी ज्ञात होगा कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए कराई थी, है ना। अब देखिए एनटीए का जो सफ़र है वो समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एनटीए रिजल्ट देगी, आपका रिजल्ट देगी, ठीक है, रिजल्ट वैसे ही एनटीए का सफ़र समाप्त हो जाएगा। तो सभी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रक्रिया खुद से कराएगी, बीएचयू भी अपना खुद से कराएगी, डीयू भी अपना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी। तो यानी कि आज बीएचयू में जो पेड सीट होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि पेड सीट पे कुछ कम नंबर वालों का भी एडमिशन मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे दिया जाए, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन जरूरी है। आज हम पेड सीट के बारे में बताएंगे तो बहुत लोगों को प्राप्त होगा जानकारी पेड सीट क्या होता है, कैसे एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले देखिए एडमिशन। अब आप बीएचयू में एडमिशन लेंगे तो बीएचयू का जो पोर्टल बनेगा वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा, अभी नहीं बना है, अपडेट दे देंगे। एडमिशन देखिए बीएचयू में दो प्रकार से होता है, एक होता है रेगुलर सीट, दूसरा होता है पेड सीट। ये दोनों क्या है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बीएचयू में जब रजिस्ट्रेशन करवाओगे, बीएचयू के पोर्टल पे अभी ओपन नहीं हुआ, तो बीएचयू की ओर से जो है आप लोग को कॉल लेटर भेजा जाएगा। जिसका बढ़िया नंबर होगा उसको कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो सबसे पहला जो कॉल लेटर जाता है उस कॉल लेटर का नाम है रेगुलर सीट कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग, ठीक है। दूसरा जो कॉल लेटर जाता है पेड सीट का कॉल लेटर जाता है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे समझना है कि किसको जाता है। माना कि 500 नंबर का बीएचयू बीए का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप 280 नंबर पे एडमिशन मिल गया रेगुलर सीट का। अब बहुत सारे स्टूडेंट का 270 नंबर है, 260 नंबर है, ये माना कि बता रहे हैं। तो इन स्टूडेंटों को जो है पेड सीट पे एडमिशन होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पेड सीट पे जो रेगुलर सीट होता है उससे 10-20 नंबर कम भी रहता है तो एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि पेड सीट आपको समझ में आ गया होगा कॉल लेटर जाता है उसके माध्यम से। ये नहीं कि सर हमको भी हम जो है पेड सीट से एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका नंबर भी उस लायक होना चाहिए, यानी जो रेगुलर सीट से है उससे थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा बारीकी से। अब देखिए 100 प्लस पढ़ना क्या है ये समझना जरूरी है, कि बीएचयू में किसी भी कोर्स का, बहुत सारे कोर्स में पेड सीट है, कुछ कोर्स में नहीं भी है, ठीक है, बहुत सारे कोर्स में पेड सीट है। तो 100 सीट अगर 100% सीट है तो उसका 15% ये अलग से होता है, ये जान लेना जरूरी है कि ये अलग से होता है। माना कि बीए आर्ट्स में कितना सीट है, मान लीजिए आप 800 सीट है, ठीक है, 800 प्लस इसका 15%, इसका 15% जो है कितना होगा, 15% 120 होगा, 120 सीट जो है पेड सीट भी है, सब मिला के कितना हो जाएगा 920। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे पेड सीट कितना सीट होता है, यानी कि टोटल 100% सीट प्लस 15% सीट जो होता है वो पेड सीट होता है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा, बारीकी से आप लोग समझ लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल वहाँ पे ही जाके ज्वाइन कर लीजिए सीयूटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ पे लगातार कोई भी अपडेट आता है उसका पीडीएफ हम यहाँ पे ही सेंड करते हैं। ये हमारा ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पेड सीट के बारे में, तो ये जान लेना जरूरी है। पेड सीट को हम लोग जिसे गाँव में देखते हैं ना कि एक कूपन आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसी प्रकार मान लो पेड सीट एक कूपन की तरह यूज होता है। देखिए कैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को मैं बताने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आसान भाषा में समझिएगा। माना कि आपको जो मिला है, आपको मिला है AIST एंशियंट हिस्ट्री मिला है, ठीक है, फिलोसफी मिला है, ठीक है, फिलोसफी मिला है और एक संस्कृत मिला है, ठीक है। मान लीजिए ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको मिला है रेगुलर सीट से जो आप काउंसलिंग करवाए थे। अब आप चाहेंगे कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या मैं पेड सीट से जा सकता हूँ? बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कॉल लेटर जाएगा पेड सीट का, तो पेड सीट से आप काउंसलिंग करवाओगे, ज़्यादा चांसेस रहती है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेड होकर मिले, यानी कि पेड सीट पे बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, जैसे कि जिसको रेगुलर सीट से बढ़िया सर्विस नहीं मिल रहा तो पेड सीट से काउंसलिंग करवा के बढ़िया सर्विस पा सकता, क्योंकि अपग्रेड हो जाता है, 15% सीट में अवेलेबल रहती है।
पहला जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा देखिए पेड सीट का कट ऑफ अलग से आता है, जैसे कि मान लीजिए रेगुलर सीट का कट ऑफ जो है 280 गया आउट ऑफ 500 में। ये देखिए सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये हम स्कोर लेट माना की बता रहे हैं सिंपल वे में, लेकिन इस बार जो आपका स्कोर बनेगा सीयूटी का वो परसेंटाइल के रूप में बनेगा, परसेंटाइल के रूप में, ये आपको पता होगी सीयूटी का जो स्कोर बनेगा तो उसी स्कोर के तहत आपको यहाँ पे बीएचयू की ओर से भेजा जाएगा कॉल लेटर काउंसलिंग लेटर। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ये समझ लीजिएगा, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, माना कि जो है 60% का रेगुलर सीट पे एडमिशन हुआ तो हो सकता है 55% तक जो है आपका एडमिशन हो जाए पेड सीट से, तो ये जान लीजिए पेड सीट का कट ऑफ अलग से बनता है। ठीक है, देखिए रेगुलर सीट और पेड सीट में क्या अंतर है, तो पेड सीट और रेगुलर सीट बहुत लोग कहेंगे ना सर रेगुलर सीट वाले का अलग से क्लासरूम है, उसका पढ़ाई बढ़िया होता होगा, उसको लाभ मिलता होगा बहुत सारे चीज़ों को। ऐसा नहीं है, रेगुलर सीट से एडमिशन हो या पेड सीट से हो दोनों का जो है सेम है, सब कुछ बराबर है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है जो कि अभी हम बताएंगे। ठीक है, आपको ये समझ लेना जरूरी है कि दोनों एक है, जैसे भी एडमिशन मिले आपको एडमिशन ले लेना चाहिए मेरे अनुसार। देखिए फीस का जो सबसे बड़ा अंतर है, माना कि बीएचयू में रेगुलर सीट का फीस जो है 2000 है, कितना 2000, तो अगर आप पेड सीट से एडमिशन लेंगे तो 2000 प्लस आपको 10000 देना पड़ेगा, ये पेड सीट का पेमेंट होता है 10000 रुपया जो कि आपको देना पड़ेगा पेड फी। ठीक है, आपको देना पड़ेगा 2000 प्लस। ये मैं बीएचयू मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, एफिलेटेड कॉलेज की बात करेंगे तो एफिलेटेड कॉलेज में 60 से 9000 के बीच रेगुलर सीट है प्लस 10000 फीस आपको पेड सीट का देना होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जितना फीस लगता है। और हॉस्टल, पहले क्या होता था बीएचयू में कि अगर पेड सीट से एडमिशन आप लोगे तो हॉस्टल नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप पेड सीट से एडमिशन लो या रेगुलर सीट से हॉस्टल जो है मिलता है अगर आपका नंबर हॉस्टल लाइक हो तब, क्योंकि हॉस्टल का भी कट ऑफ आता है, हॉस्टल का भी कट ऑफ आता है, अगर उस कट ऑफ में आपका नंबर है आपका एडमिशन रेगुलर सीट से हुआ है पेड सीट से कोई मतलब नहीं, आपको हॉस्टल मिलेगा, बशर्ते हॉस्टल वाला कट ऑफ में आपका जो है नंबर आना चाहिए। तो आप पूरी बात को समझ गए होंगे कि क्या एडमिशन का प्रोसेस है पेड सीट का, और पेड सीट के बारे में मैंने बताने का पूरा कोशिश किया, कितना सीट है, कितना फीस लगती है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस है। आपको अगर वीडियो समझ में आ गया पूरा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए अगला टॉपिक किस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको समय समय पर हम देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।